एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। देखो ये फ्रिंजेस क्या होती हैं, फ्रिंज का मतलब है कि जो बैंड्स बनते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपके पास स्लिट्स हैं, सेंट्रल पॉइंट है, और यहाँ पर जो बैंड बनते हैं, कोई बैंड डार्क बनता है, कोई लाइट बनता है, कोई डार्क बनता है, कोई लाइट बनता है, कोई डार्क बनता है, इस बैंड को फ्रिंज बोलते हैं इसमें। तो मेरे को इसकी चौड़ाई निकालनी है, इसकी विड्थ निकालनी है, तो मेरे को ये बताना है कि ये विड्थ डार्कनेस की कितनी है और ब्राइटनेस की कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जब आप YDSC एक्सपेरिमेंट करेंगे, YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर दो स्लिट्स और स्क्रीन, ये रहा स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी, एंड दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, ऐसे छोटा डी और बड़ा डी ऐसे, और ये फिक्स्ड है। स्मॉल डी स्लिट का डिस्टेंस है, कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस है। यहाँ से वेव आएगी, यहाँ से वेव आएगी, ये वेव जो सेंटर पे मिलेगी जाके, ये गारंटेड क्या करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही करेगी। इसमें अगर दो वेव हैं तो ये भी दो वेव हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर बताया था पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। जितना रास्ता ये कवर करेगी उतना रास्ता ये करेगी, दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस ज़ीरो है। और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो सारे डिस्टेंसेस कहाँ से ले जाते हैं, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। अब इसके अंदर ये भी बताया था कि अगर सपोज करो दो स्लिट्स हैं, और दो स्लिट्स में ये तो मुझे पक्का पता है कि सेंटर पॉइंट पर हर हालत में मैक्सिमा ही आएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। पर लेकिन अगर कोई पॉइंट पी हुआ यहाँ पे, तो एक वेव यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो इस वेव ने डिस्टेंस कवर किया बी पी, इस वेव ने डिस्टेंस कवर किया ए पी, और ये क्या आ गया, दोनों वेव्स का पाथ का डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस अगर तो क्या हुआ एन लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर ये पाथ डिफरेंस 2n-1 × λ/2 हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर यही करने जा रहे हैं हम। ये आपके पास ये पूरा सिस्टम है YDSC का। YDSC में दो स्लिट स्मॉल डी, स्क्रीन और स्लिट कैपिटल डी, पी पॉइंट ले लिया, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं, सेंटर से। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, एक्स। तो सारे डिस्टेंसेस सेंटर से, सेंटर को ओरिजिन माना जा सकता है। कई बुक्स इसको एक्स लिखती हैं, कई इसको वाई लिखती हैं, आपकी मर्जी कैसे भी लिख लें। मेरे को इसमें पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस में मैं क्या निकालूंगा, बीपी। ये देख रहे हो बीपी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड कितनी है, कैपिटल डी। ये यहाँ से यहाँ कितना है, स्मॉल एक्स। ये कितना है, स्मॉल डी। स्मॉल डी का आधा कितना हुआ, स्मॉल डी बाई टू। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल डी बाई टू, राइट। तो ये क्या बन गया, बीपी। ये क्या बन गया, कैपिटल डी। ये क्या बन गया, एक्स प्लस स्मॉल डी बाई टू। तो बीपी की जो वैल्यू है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस कैपिटल डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये बीपी की वैल्यू क्या आ गई, बीपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एपी निकाल लो, तो एपी के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड कितना है, कैपिटल डी। ये एक्स है, एक्स में से ये आधा डिस्टेंस डी बाई टू माइनस करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस डी बाई टू। तो एपी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो एपी आ गया, तो मेरे पास बीपी आ गया, मेरे पास एपी आ गया। ये देखो ए एंड बी दो स्लिट्स स्मॉल डी डिस्टेंस अपार्ट हैं। सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बता दिया मैंने। बीपी की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई,
बीपी की वैल्यू में से कैपिटल डी स्क्वायर अंडर रूट में से कॉमन निकाल लो, कैपिटल डी स्क्वायर बाहर आ गया, कैपिटल डी स्क्वायर का अंडर रूट क्या है डी, ये क्या बन गया वन, और ये क्या बन गया डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, और होल पावर क्या चल रही है हाफ, ठीक। तो कैपिटल डी स्क्वायर अंडर रूट बाहर आ गया, तो ये डी, ये वन और ये डी स्क्वायर, तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालने के लिए बाइनोमियल लगाएंगे, ये वन है, बाइनोमियल में इस टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ नीचे आ गया, और ऐसे ही मैंने क्या निकाल लिया ए पी, कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी स्क्वायर डी बाहर आ गया, तो ये वन बच गया और ये डी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, फिर से बाइनोमियल लगा ली, हाफ को इससे पूरा मल्टीप्लाई किया, बी पी आ गया, ए पी आ गया, पाथ डिफरेंस मैंने फिगर में क्या बताया था बी पी माइनस ए पी, बी पी निकाल लिया, ए पी निकाल लिया, दोनों को माइनस किया, वन से वन कट गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करके 2d स्क्वायर LCM लेके सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आएगा, ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लो, पाथ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल x स्मॉल d बाय कैपिटल d, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो दो वेव्स में जो पाथ का डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है x स्मॉल डी बाई कैपिटल टी, को डाउट इसमें, ये पार्ट डिफरेंस है। आगे चलने से पहले, अब ये एक्सप्रेशन पूरा चल रहा है वैसे, मैंने एक लंबा तरीका यूज़ किया पार्ट डिफरेंस निकालने का, पर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा आगे एक वैसे आपके रेफरेंस के लिए किया हुआ है, कई ऑब्जेक्टिव बुक्स ऐसा करती हैं, ये पार्ट डिफरेंस एक सेकेंड में निकल जाता है कैसे, बिना बाइनोमियल के। वाई डी एस सी में हमने क्या किया, ये पी पॉइंट लिया, अभी पी पॉइंट लिया, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी लिया, जो दो वेव्स हैं, एक वेव नीचे से आ रही है, एक ऊपर से आ रही है, जो नीचे से आ रही है वो ज़्यादा लंबा रास्ता कवर करेगी, जो ऊपर से आ रही है वो कम रास्ता कवर करेगी, तो इनमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसके डिस्टेंस में से इसे माइनस करके एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर किया वो पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक तरीका है, आप एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दें, जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये रास्ता, ये रास्ता और ये रास्ता यहाँ तक बिल्कुल सेम है ऐसे, और नीचे वाली वेव ने एक्स्ट्रा ये रास्ता कवर किया एज कम्पेयर टू ऊपर वाला रास्ता। आप चेक कर लो, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये डिस्टेंस बढ़ा है इससे, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो आप एक सेंटर लाइन खींच दो यहाँ स्लिट्स के डिस्टेंस तक, सेंटर तक, जिसने एंगल बनाया थीटा, ये थीटा और ये थीटा ज्योमेट्रिकली इक्वल होता है। अब ऐसे भी करके देख लो, अगर थीटा जीरो कर दें तो ये पॉइंट सी पे आ जाएगा, थीटा जीरो पे ये पॉइंट ऐसे नीचे गिर जाएगा, और ये वेव जो लाइन है ये ऐसे हो जाएगी, आप चेक करो ये सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जाके मिल जाएगा। तो ये एंगल हर ज्योमेट्री में सेम ही मिलेगा आपको, तो अगर ये स्मॉल डी है, राइट एंगल है, तो ये डिस्टेंस डी साइन थीटा, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई डी साइन थीटा। कई बुक्स ये यूज़ करती हैं डी साइन थीटा, आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये कैसे आ गया डी साइन थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए ऐसा है। अब क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में जो वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट है ये बहुत बड़ा नहीं है, आप इमेजिन करें आपको क्या लगता है ये 10 मीटर या 5 मीटर दूर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो mm में है, ये इतनी पास हैं दो स्लिट्स कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये तो बड़ा दिखा रहा हूँ डायग्राम, ये तो बहुत ही छोटा डायग्राम है, दिखेगा भी नहीं आपको, और अगर ये बहुत छोटा है तो एंगल्स बहुत छोटे हैं, और मैथ्स में जब एंगल छोटे हैं साइन थीटा भी थीटा है और टेन थीटा भी थीटा ही होता है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ टेन थीटा यहाँ पर क्या आएगी एक्स अपॉन डी, एक्स अपॉन डी, और टेन थीटा थीटा है, तो थीटा की जगह एक्स बाई डी पुट कर लिया, चेक करो वही पार्ट डिफरेंस आ गया जो भी मैंने बाइनोमियल से निकाल के दिखाया था, एक लाइन में आ गया, थीटा को अप्रॉक्सीमेट टेन थीटा से रिप्लेस कर दिया एक्स बाई डी, क्योंकि एंगल स्मॉल है, ये देखो तीन लाइन में काम खत्म। तो काफ़ी बुक्स आपको ऐसा दिखे करती हुई दिखेंगी पार्ट डिफरेंस, तो आप पेपर में आएगा बाइनोमियल यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अदरवाइज ये तो तरीका है ही है। अब ये पार्ट डिफरेंस अगर कैसा है एन लैम्डा, तो ये पी पॉइंट क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है, और अगर ये पार्ट डिफरेंस टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, तो वही पी पॉइंट क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो यही करने जा रहे हैं। तो ऊपर मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, ये तो अपने करना ही करना है, फिर आपने हेडिंग बनानी है, क्या ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल है एन लैम्डा, तो ये जो पार्ट डिफरेंस है किसके इक्वल है एन लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स का मतलब कि पी पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी है,
तो ये दूरी निकली x, वो दूरी है, वो डिस्टेंस है सेंटर से जहां पर क्या पाया जाएगा, मैक्सिमा। अब मैक्सिमा बहुत सारे आएंगे स्क्रीन के ऊपर। पहला मैक्सिमा में n की जगह 0 पुट करो तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि जब आप n को 0 पुट करोगे x 0 आएगा, और x 0 आने का मतलब p पॉइंट क्या कहाँ कोइंसाइड करना, c पे कोइंसाइड करना। तो p का c पे कोइंसाइड करना यानी कि n इजिकल टू 0 का जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की ये वैल्यू आएगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये डिस्टेंस सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, और nth करेंगे तो ये nth ब्राइट फ्रिंज। आपको पेपर में आएगा कि मान लो आप 11th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल लें तो आप n की जगह क्या पुट कर देंगे, 11, और आंसर निकल आएगा। ये सारे के सारे डिस्टेंसेस ब्राइट फ्रिंज निकालने के डिस्टेंस हैं। अब ऐसे ही ये फॉर्मूला नोट करें, इंपॉर्टेंट है, nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला, x का फॉर्मूला n लैम्डा d बाई स्मॉल d, n लैम्डा बड़ा d बाई छोटा d। फॉर्मूला नोट करते जाएं प्लीज। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला x स्मॉल d बाई कैपिटल d, और nth ब्राइट फ्रिंज निकालने का फॉर्मूला n लैम्डा बड़ा d बाई छोटा d। ठीक है, नेक्स्ट है डार्कनेस या मिनिमा। जो आपने पाथ डिफरेंस निकाला था अगर वो पाथ डिफरेंस 2n-1 इंटू लैमडा बाई 2 हो जाए तो कौन सी कंडीशन हो गई, मिनिमा की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये एक्स क्या है, ये सेंटर पॉइंट से दूरी है जहां पर क्या पाया जाएगा, मिनिमा। तो जैसे एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 0 मत पुट करना, 0 सेंट्रल पॉइंट लेके जाता है हमेशा, सेंट्रल पॉइंट पे मिनिमा होता ही नहीं, सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमा होता है। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो डिस्टेंस यहां आएगा वो पहला डिस्टेंस होगा सेंटर से किसका, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का, और 2 पुट करेंगे तो सेकेंड डार्क फ्रिंज का, 3 पुट करेंगे थर्ड डार्क फ्रिंज का, और nth पुट करेंगे nth डार्क फ्रिंज का। तो आपको क्वेश्चन आएगा 15th डार्क फ्रिंज की दूरी बताओ कितनी है सेंटर से, तो आप n की जगह यहां पर 15 पुट कर देंगे। तो अगर मैक्सिमा की दूरी पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो ऊपर वाला फॉर्मूला, मिनिमा का डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला नोट कर लें। तो मिनिमा कैलकुलेट करने का डिस्टेंस क्या है, 2n-1 इंटू लैमडा बाई लैमडा डी बाई 2d। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें। तो मैक्सिमा का पॉइंट ढूंढने का फॉर्मूला, मिनिमा का पॉइंट ढूंढने का फॉर्मूला, दोनों नोट कर लें। ठीक, पर हमने डिस्टेंसेस तो निकाल लिए, पर हमें ये थोड़ा निकालना था, हमें तो फ्रिंज की विड्थ निकालनी थी कि आपकी फ्रिंज कितनी जो है वाइड है। तो यहाँ से हेडिंग डाली, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज है। मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप ध्यान से देखें, आपका ग्राफ जो इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा है, मतलब सेंटर पॉइंट पे देखो ग्राफ है ये, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लाइट एनर्जी इंटेंसिटी मैक्स का मतलब लाइट एनर्जी मैक्स है, सेंट्रल पॉइंट पर लाइट एनर्जी मैक्सिमम है। फिर उसके बाद क्या है, मिनिमम है, देख रहे हो डार्कनेस है, D1 का मतलब फर्स्ट डार्कनेस है। फिर उसके बाद फिर मैक्सिमम है ब्राइटनेस, B1 का मतलब फर्स्ट ब्राइटनेस है। फिर क्या है, डार्कनेस है, फिर ब्राइटनेस है। तो आप एक चीज नोट करें, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है। एक्चुअल में ये थोड़ा बनता है स्क्रीन पे, एक्चुअल में तो डायग्राम ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, वो एक्चुअल में फोटो ऐसी आएगी, पर आपको वो ग्राफ दे रहा है, मतलब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है, फिर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो इसका ग्राफ बना रखा है एनर्जी का या इंटेंसिटी का, वो ग्राफ देखने में ऐसा है। लेकिन देखने वाली बात यह है, ब्राइट के बाद डार्क बैंड है, डार्क के बाद ब्राइट बैंड है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है। तो ये पॉइंट भी यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसमें निकालना है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि ब्राइट के बाद डार्क के बाद ब्राइट है, तो मुझे विड्थ ऑफ क्या निकालनी है, डार्क फ्रिंज, इंपॉर्टेंट डार्क फ्रिंज। तो विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, मैं किसकी विड्थ निकाल रहा हूँ, डार्कनेस की। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये, मैं nth पॉइंट लूँगा जो सेंटर से दूरी लूँगा, nth ब्राइट की, और उससे पहले वाला ब्राइट कहाँ मिलेगा, n-1th ब्राइट पे। तो अगर मैं nth ब्राइट में से एक पहला ब्राइट का डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो मेरे पास बीच में क्या पाया जाएगा, डार्कनेस। तो डार्कनेस दो
ब्राइटनेस के बीच में मिलेगी, तो तुम nth ब्राइट लो। मैंने स्पेशली लिखा कि जब स्टूडेंट इसको पढ़ता है वो सोचता है कि यार विड्थ किसकी है, डार्कनेस की, तो डिस्टेंसेस भी किसके आने चाहिए, डार्कनेस के, जबकि उल्टा है। तुम विड्थ निकाल रहे हो डार्कनेस की, पर डिस्टेंसेस दो किसके ले रहे हो, ब्राइटनेस के। तो दो ब्राइटनेस के डिस्टेंस को माइनस करेंगे, मान लो एक ब्राइटनेस इमेजिन करो 10 सेंटीमीटर पे है और दूसरी ब्राइटनेस 8 सेंटीमीटर पे है, तो बीच में डार्कनेस मिलेगी। तो 10 में से 8 गया, 2 की डार्कनेस है। तो ये nth ब्राइटनेस का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। एक पहले ब्राइटनेस जाना है तो n की जगह n माइनस 1 कर लिया, इन्हें माइनस किया और आपके पास ये वैल्यू आ गई। फॉर्मूला नोट करें, विड्थ ऑफ डार्कनेस इज लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा टी। विड्थ ऑफ डार्कनेस क्या बनेगी, लैम्डा इंटू बड़ा डी बाई छोटा टी। ठीक है यहां तक? सर दोबारा समझाना। तो इसमें मैंने ये बताया कि इसमें सपोज करो ये आपकी ब्राइटनेस है, nth ब्राइटनेस है, nth ब्राइटनेस ये वाला पीक लेना होता है आसपास का नहीं, ये एक पहले का ब्राइटनेस है n माइनस वनth ब्राइटनेस है। तो इसके बीच में अप्रोक्सीमेट जब माइनस किया जाएगा, ये डिस्टेंस सेंटर से निकाला जाएगा एक्स एन है, ये डिस्टेंस सेंटर से निकाला जाएगा एक्स ऑफ एन माइनस वन है। जब हम इन दोनों को माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेट क्या पाएगी, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ डार्कनेस आएगी, ये निकालना है। तो इसलिए yes, sir. जब मैंने डिस्टेंस किसका निकाला, डार्कनेस की विड्थ निकाली, दो ब्राइटनेस के पॉइंट को माइनस किया, तो आपके पास ये टर्म आ गई। और ऐसी जब विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज में दो डार्कनेस के डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। जब डार्कनेस की विड्थ निकलेगी तो ब्राइटनेस पॉइंट माइनस करने हैं, जब ब्राइटनेस की विड्थ निकलेगी तो डार्कनेस के पॉइंट को माइनस करना है। तो nth डार्कनेस ये रहा, एक पहले वाली डार्कनेस n माइनस वन पे आएगी, डार्कनेस की दूरी अभी लिखवाया था 2n माइनस वन इंटू लैम्डा डी बाई टू डी। एक पहली वाली डार्कनेस कहाँ आएगी, n की जगह रिप्लेस कर दो n माइनस वन, जब आप इन्हें माइनस करके ओपन करेंगे, अच्छी बात यह है कि बीटा एग्जैक्टली सेम आएगा। तो यानी कि ब्राइटनेस और डार्कनेस की विड्थ इंटरफेरेंस में क्या होती है, सेम होती है। वाई डी एस सी में डार्कनेस और ब्राइटनेस की विड्थ सेम है, तो ये सेम है। तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। जब ये पेपर में आएगा कि फाइंड विड्थ ऑफ कंस्ट्रक्टिव या जो भी ब्राइटनेस है डार्कनेस, तो आपने यहाँ से ही लिखना स्टार्ट करना है ये डायग्राम के साथ, ये डायग्राम के बाद ये पूरा बाइनोमियल के साथ, पार्ट डिफरेंस के साथ, ये सारा पॉइंट आएगा, ये सारा पॉइंट आएगा, माइनस करके यहाँ तक विड्थ निकालनी है, तो आपको तीन नंबर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है।